तो हाँ यार, कैसे, उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। और देखो, इस वीडियो में बात करने वाले एक नए मूवी के बारे में जिसका नाम होने वाला है फाइट क्लब, जिसको फाइनली यार हिंदी में रिलीज कर दिया गया है। और इसी मूवी करेंगे रिव्यू, पर इस इंट्रो के बाद। वेलकम टू रीजनल मूवीज रिव्यू। तो देखो, स्टार्ट कर ले कहानी से। तो इसकी स्टोरी यार बेसिकली फोकस करती है मेनली यार चार कैरेक्टर्स के ऊपर, जिसमें से यार एक मेन कैरेक्टर है जिसका नाम होने वाला है सेलवन, जो एक फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता है। और उसी के अराउंड में पूरी कहानी को सेट किया गया है, एक रिवेंज ड्रामा और एक फ्रेंडशिप को डाल के। अब आगे चल के स्टोरी इस पॉइंट पे क्या दिखाती है और क्या देखने को मिलता है, इन सब बातों को जानने के लिए आपको देखना है मूवी को। पर हाँ, अगर आप ये बात सुनकर देखने प्लान कर रहे हो, जाने के बारे में सोच रहे हो, तो दो मिनट पहले वीडियो में रुक जाओ, पहले सुन लो कहानी कैसे लगने वाली है, स्क्रीन प्ले कैसा है, बैकग्राउंड स्कोर कैसा है, प्लस पूरी की पूरी मूवी कैसी है। तो देखो, स्टार्ट कर ले खासतौर पे इसके कहानी वाले पोर्शन से। तो हाँ, पूरा यार कहानी में जो ड्रामा देखने को मिलता है फ्रेंडशिप के राउंड में और रिवेंज के राउंड में, उसको यार काफ़ी तक अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है कहानी में, और वो एक प्लस पॉइंट भी है। पर उससे बड़ा जो प्लस पॉइंट है पूरी कहानी का और पूरे एक तरीके से पूरे मूवी का, वो है एक्शन। एक्शन जो देखने को मिलता है खासतौर पर इंटरवल ब्लॉक पे, वो काफ़ी हद तक यार बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसकी आप तारीफ करोगे। और उससे अलग भी जो पूरे मूवी में एक्शन देखने को मिलेगा, उसकी भी आप तारीफ करने वाले हो। एक्शन पूरे मूवी का ही जिस तरीके से कोरियोग्राफ किया गया है और जो देखने को मिलता है पूरी मूवी में, उसकी आप तारीफ करते हो और वो आपको पसंद आता है। उससे अलग जो पूरी स्टोरी का ड्रामा था, वो भी काफ़ी हद तक डिसेंट वे में काम करने वाला है। फिर यार बात आती है इसके स्क्रीन प्ले के बारे में। तो फर्स्ट हाफ यार काफ़ी तक अच्छा लगा, जिस तरीके से स्टोरी को सेट किया गया था, जिस तरीके से पूरा इंट्रो ब्लॉक निकल के आता है, और उससे पहले जो कुछ सीन निकल के आने वाले हैं जो आपका इंटरेस्ट बनाए रखते हैं लगभग पूरे फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ में हो सकता है मूवी थोड़ा बहुत स्लो लगे किसी किसी को, पर मेरे को ऐसा फील नहीं है। लगभग वो कहानी के लिए और एंड करने के लिए चीज़ों को वो ज़रूरी था वो क्रिएट करना। और साथ में जो सस्पेंस और ट्विस्ट भी निकल के आने वाले हैं, वो भी थोड़ा बहुत आपको सरप्राइज करने वाले और इंगेज करके रखने वाले हैं पूरी कहानी के साथ में। यहाँ तक कि यार मूवी आपको बोर नहीं करती है, ना फर्स्ट हाफ में ना सेकंड हाफ में। बाकी उससे अलग अगर बात कर ले प्रोडक्शन वैल्यू के बारे में, तो वहाँ पे चीज़ें यार आपको डिसेंट वे में देखने को मिलती हैं। फिर यार बात आती है टेक्निकल चीज़ों के बारे में, तो कैमरा वर्क यार काफ़ी सारे सीन में, खासतौर पर एक्शन सीन में, वो आपको पसंद आएगा। और उससे अलग भी कुछ सीन जिस तरीके से क्रिएट किए गए, उसमें जो सिनेमाटोग्राफी है उसकी आप तारीफ करोगे। बात आती है अगर बीजीएम के बारे में, तो मूवी का बीजीएम लगभग ओवरऑल अच्छा है, पसंद आएगा। और लगभग यार सभी पोर्शन में, चाहे एक्शन हो चाहे ड्रामा हो, और लगभग ओवरऑल पूरे मूवी का बीजीएम आपको अच्छा लगने वाला है। अब बात आती है एक्टिंग के बारे में, तो जो मेन लीड में यार स्टार कास्ट थी सभी के सभी, सभी ने यार अच्छा परफॉर्म किया है। यहाँ तक कि कुछ लोगों के पास बहुत ही कम स्क्रीन टाइम था और उन लोगों ने भी यार अच्छा परफॉर्म किया है, उनके कैरेक्टर से आप कनेक्ट करते हो और पसंद आता है। तो देखो, अगर ओवरऑल बोल रहा हूँ इस पूरी मूवी के बारे में और डबिंग के बारे में, तो डबिंग मेरे को ठीक लगी, पसंद आई। पर ओवरऑल बोल रहा हूँ, तो एक बार आराम से जाओ देखो, एंजॉय करो, मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मिल जाएगी। अगर आपको एक्शन इंटरटेनर चाहिए या एक रिवेंज ड्रामा के साथ में या एक फ्रेंडशिप ड्रामा के साथ में, अगर आपको एक्शन मूवी चाहिए तो ये मूवी आपको पसंद आएगी। तो जाओ यार एक बार देखो, मजा आएगा देख के, टाइम पास होगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो साथ में।